लॉकडाउन के चलते स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ऑनलाइन क्लासेस अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट कराई जा रही हैं। हालांकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये जामिया मिलिया इस्लामिया से दिखा रहे हैं, जहां पर एक वेबिनार चल रहा है जो कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं प्रोफेसर्स के लिए कंडक्ट किया गया है। और ये क्यों किया गया है, जिससे कि प्रोफेसर्स आने वाले समय में जब ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट करें तो उनको टेक्निकल चीजों को समझने में समस्या ना हो, इसके चलते यहाँ पर प्रोफेसर्स को समझाने के लिए ये ऑनलाइन वेबिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिर रिजवी, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सीआईटी के। तो सर, सबसे पहले ये जो वेबिनार यहाँ पर चल रहा है, इसमें क्या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोफेसर्स को दी जा रही है? बेसिकली यहाँ पर ये आइडिया हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने दिया कि हम क्यों ना हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम करें सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सब बच्चों की क्लासेस हो सकें। और हमारे यहाँ लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो रही थी, तो सीआईटी जो है हमारा वो केटर करता है पूरी यूनिवर्सिटी की इंटरनेट सर्विसेज को और सारी आईटी सर्विसेज को। तो ये आइडिया हमारी मैडम ने जब दिया, वीसी मैडम ने, तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गूगल मीट के ऊपर। गूगल मीट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो अदर सॉफ्टवेयर में, जूम में या किसी और में नहीं है। तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया अपने वाइस चांसलर के इंस्ट्रक्शन से, और डॉक्टर काजिम नकवी ने इसमें लीड ली, और फुरकान कवर साहब ने और तारिक मंसूर साहब जो हमारे लाइब्रेरियन हैं, इन लोगों ने इसमें लीड लिया। और ये हम लोगों ने पहला प्रोग्राम किया 250 प्रोफेसर्स के लिए, सो दैट उनको हम बताएं कि इसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करें। सब लोग अपने अपने घर पर हैं, सिर्फ सीआईटी में हम लोग 2-3 लोग आते हैं, हमारी टीम आती है और इसको पूरी तरह कंडक्ट करती है। काजिम नकवी साहब ने क्लास ली 3 अराउंड 5 आवर्स की, एक शॉर्ट में 3 आवर्स, देन नेक्स्ट 2 आवर्स। देन उसके बाद क्या हुआ कि हमारे टीचर्स को ये लगा कि नहीं नहीं ये तो हम सबके लिए होनी चाहिए, तो टोटल फैकल्टी मेम्बर्स जो जामिया में इज़ अराउंड 800। तो उसके बाद वाइस चांसलर साहिबा ने, प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा कि नहीं ये प्रोग्राम सबके लिए किया जाए। तो ये हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो सेकेंड प्रोग्राम हमारा चल रहा है ये, और आज शाम को ख़त्म हो जाएगा जी। उसके बाद अनदर 2 डेज़ के बाद हमारा फिर थर्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होगा, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4th भी है, बिकॉज इसकी डिमांड टीचर्स ने की कि ये बहुत अच्छा आइडिया है वाइस चांसलर मैडम का कि आपने पूरी तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे दें, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज जूम के अंदर इतनी है कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली है ये। बच्चों के लिए हम अटैचमेंट फाइल्स भेज सकते हैं इसके अंदर, उनको असाइनमेंट दे सकते हैं, इवन अगर क्लास एट ए टाइम, इसके अंदर एक ग्रिड आइडिया है, ग्रिड है जिसके थ्रू हम 25 बच्चों का अगर टेस्ट भी लें तो हमें हर बच्चे का मूवमेंट भी पता रहता है। तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमको डॉक्टर रिजवी ने बताया, फैसिलिटीज के साथ साथ यहाँ पर प्रोफेसर्स को ग्रूम किया जा रहा है, प्रोफेसर्स को बतलाया जा रहा है कि कैसे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्यूचर में ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना लॉकडाउन में जहाँ लोग अपने घरों में बंद हैं, वहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोफेसर्स भी अपना टेक्निकल नो हाउ को इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं तो समस्याओं का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन सत्यारंजन रोतरे के साथ प्रशस्ति शांडिल्य, दिल्ली आज तक।